हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ बना रही हूँ अपने हस्बैंड का टिफ़िन। मैं टिफ़िन में उनको दो जगह टिफ़िन पैक करूँगी, क्योंकि वो शाम को आते हैं तो उनको फिर भूख लग जाती है। मतलब रात में आते हैं तो लंच तो वो कर लेते हैं, उसके बाद इवनिंग स्नैक्स भी कुछ चाहिए होता है। तो मैंने इनके लिए इधर फ्राइड राइस बना दिया है और साथ में मैंने रोटी और सब्जी भी पैक कर दिया है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, नाश्ते में मैंने ओट्स बनाया था और चीले बनाए थे, वो सब मैंने दे दिया है। और इन लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, मेरे पीहू भी मैंने स्कूल में छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पे लगाने जा रही हूँ आज कपड़े, तो काफ़ी कपड़े हो गए हैं। तो बस मैंने पहले लाइट ऑन किया है और मैं प्लग लगा रही हूँ। तो मैं कपड़ों को छाटूंगी कि क्या क्या मुझे फर्स्ट राउंड में कपड़े डालने हैं। तो नल खोल करके पानी भरूंगी, फिर सर्फ डालूंगी, नॉर्मल जैसे सब लोग करते हैं, इसमें कोई नया काम नहीं है। बस मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने आप सबको दिखाया है। और मैं पहले फर्स्ट राउंड वाले कपड़े डाल रही हूँ, जो थोड़े लाइट कलर के हैं या फिर जो कलर नहीं छोड़ते हैं, वो सब डाल करके मैं इनको धुल लूँगी। और धूप बहुत तेज़ निकली है, मुंबई में अभी बारिश नहीं हो रही है, तो बस इसलिए मैं कपड़ों को लगा करके धुल दूंगी और फिर फटाफट से इनको फैलाऊंगी। धुलते धुलते वही टाइम हो ही जाएगा, फिर मुझे पीहू को लेने जाना होगा स्कूल से। तो बस चलिए फिर जल्दी से कपड़ों धुल लेते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। मैंने कपड़े तो लगा दिए हैं, बट पीहू की एक स्पैगेटी थी तो वो मैं हाथ से धुल करके ही वॉश करके फैला दूंगी, क्योंकि वो छोटी सी है और कलर वलर ना चढ़ जाए। अभी नई स्पैगेटी है उसकी, तो बस मैंने उसको वॉश किया है और मैं इसको फैला जा रही हूँ धुल करके, निचोड़ करके फैलाने। उसके पहले मैं बाथरूम में वाइपर भी कर दूंगी। मैं दिन में मतलब 5 से 6 बार, मतलब 5-6 बार से ज़्यादा ही दिन में वाइपर कर लेती हूँ बाथरूम में, वरना डर लगता है कहीं पैर वैर स्लिप हो जाएगा तो बच्चों को भी चोट लग सकती है और मुझे भी चोट लग सकती है। तो मैं काफ़ी बार यहाँ पे वाइपर करती रहती हूँ। चलिए चलते हैं, पीहू की स्पैगेटी को फैलाते हैं और फिर अपने अगले कपड़ों को धुलते हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बस मैंने अभी अभी कपड़े लगाए हैं, मशीन लगाई है, धूप बहुत तेज है और अब तो वैसे मौसम यहाँ साफ़ हो गया है, बारिश का 2-3 दिन से कुछ बारिश नहीं हो रही है, बाहर बहुत तेज गर्मी भी है। तो बस मैंने सोचा चलो जल्दी से कपड़े लगा देते हैं और कपड़े धुल जाएंगे। और आज नवरात्रि का है day 5 और आज का दिन है येल्लो। तो आज सभी लोग बाहर, आप कहीं भी जाएंगे ना तो सब लोग येल्लो येल्लो वैरायटी आपको येल्लो में देखने को मिलेगी। बहुत अच्छे अच्छे लोग कपड़े पहन के निकलते हैं, तो बस यही है। और मैंने कपड़े लगाए हैं, जब वो पहला राउंड चल जाएगा फिर मैं उसको ड्रायर में लग डालूंगी धुलने के, सूखने के लिए। और बस पीहू के डैडी जा चुके हैं, पीहू को मैं स्कूल छोड़ आई हूँ। पीहू के डैडी का टिफ़िन आपने देखा, मैंने पैक कर दिया क्योंकि वो काफ़ी देर के लिए जाते हैं, मतलब रात में आते हैं 8:30-9 बजे तक, तो लंच हो जाता है, फिर थोड़ा स्नैक्स भी चाहिए होता है, तो मैं बिस्किट विस्किट भी रख देती हूँ साथ में कि उनके खाने वाने के लिए हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से कपड़े धुल लेते हैं और फिर मुझे पीहू को स्कूल लेने भी जाना है, तो फिर मैं आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैंने कपड़े ड्रेन के लिए लगा दिए हैं बट वो चल नहीं रही है, बार बार खड़खड़ खड़खड़ हो रही है मशीन, तो मैं उसको बार बार खोल करके फिर ठीक कर रही हूँ। आप लोग में से कितने लोग के साथ ऐसा होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर बहुत गुस्सा आती है उस समय। तो अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे जितने सूखे हुए कपड़े हैं उनको उतारने के लिए। पहले मैं ये उतार लूँगी, टॉवल सुबह की है और ये एक पिजामा है, इसको भी हटा दूँगी जिससे जगह बन जाएगी कपड़े फैलाने के लिए। तो मैं बस यहाँ पर सूखे हुए कपड़े उतार रही हूँ और फिर लेकर के आऊँगी जो कपड़े सूख जाएंगे उसको यहाँ पर जल्दी जल्दी फैला दूंगी। टाइम बहुत जल्दी जल्दी भागता है, सुबह का टाइम बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। और ये देखिए मैं इधर कपड़े फैला रही हूँ, फिर पीहू को भी लेने जाना है मुझे, तो बस मैं इसीलिए जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ क्योंकि मेरा खाना तो बन ही गया है सुबह, जो मैंने पीहू के डैडी के लिए ब्रेकफास्ट में उनको टिफ़िन दिया था, सब्जी रोटी बनाई थी, तो वो सब्जी मैं एक्स्ट्रा बना लेती हूँ, वही हम लोग लंच में कर लेते हैं आजकल। जैसे पीहू के डैडी सुबह से शाम के लिए जाते हैं तो ऐसा कर लेती हूँ मैं कभी कभी, और रोटियाँ फिर बाद में सेक लेती हूँ। तो बस इस तरह से काम चलता रहता है और मैं
यहाँ पे अपने कपड़े फैला रही हूँ और इस समय एक आंटी आई हुई हैं तो मैं उनसे बातें भी करती जा रही हूँ, साथ ही साथ अपने काम भी कर रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं किससे बातें कर रही हूँ इस समय, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं इस समय घर पे, ऑफ वो जा चुके हैं और पीहू भी स्कूल जा चुकी है। तो वही मैंने आपको बताया कि एक आंटी आई हूँ, मैं उनसे ही बातें कर रही हूँ। क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो मैं सोच रही हूँ चलो अपने पाम ट्री को भी पानी दे देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है, हम लोग को इतनी प्यास लग रही है तो पेड़ को भी प्यास लगती होगी, वो सूख जाते हैं। वैसे ये है तो इंडोर प्लांट बट मैंने इसको बाहर रख रखा है, थोड़ा सा धूप हवा पानी भी ज़रूरी होता है, तो कभी मैं अंदर रख लेती हूँ कभी मैं बाहर रख लेती हूँ, ऐसे में पेड़ों को अंदर बाहर रखती रहती हूँ। और कुछ ये हैंकी हैं, वो छोटे छोटे कपड़े हैं तो मैं इनको चेयर पे ही डाले दे रही हूँ, बाहर नहीं डाल रही हूँ वरना वो उड़ के गिर सकती है। धूल बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि मेरा जो घर है वो ऑन रोड पर है, तो मुझे हर मतलब दिन में 2 बार तो डस्टिंग करनी ही पड़ती है अपनी डाइनिंग टेबल को, तो इस तरह से मैं क्लीन करती रहती हूँ। कभी कभी नहीं टाइम मिलता है तो 2 बार नहीं हो पाता है, 1 बार तो हाथ मारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं यहाँ पर कर्टेन लगा दे रही हूँ और बस मैं पीहू को लेने के लिए निकलने वाली हूँ, तो इस तरह से मैं कवर कर रही हूँ वरना गर्म बहुत हो जाता है घर, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी है और मुंबई में आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। वैसे तो अब यूपी में उधर बहुत ठंड का टाइम आने वाला है बट यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं होती है और धूप बहुत तेज़ हो रही है तो गर्म हो जाता है कमरा। तो अब बस मैं पीहू के ये सारे टेडी सही से रख करके घर को थोड़ा सेट करूँगी, क्लीन करूँगी और फिर मैं निकलूँगी पीहू को लेने जाने के लिए। तो ये मेरी कल वाली ड्रेस है, ब्लू ड्रेस जो मैं गरबा में पहन करके गई थी, तो मैं रात में गीले थे तो बस मैं ऐसे इसको रख दी थी और ये सूख चुके हैं, मैंने इनको फोल्ड करके जगह पे रख दूँगी और एक बार और फिर पहन करके उसके बाद मैं इसको वॉश करूँगी। अब मैं अपना काम करूँगी क्योंकि सुबह से मैंने कंघा नहीं किया है, सिर्फ काम 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 में बिज़ी हूँ, तो अब बस मैं बैठ करके काम करूँगी, अपने बालों को अच्छे से सुलझाऊँगी और फिर चलिए चलते हैं साथ में पीहू को स्कूल लेने। सभी मेरा काम फिनिश हो गया है और बीच में मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था तो मैं उससे बातें करने लगी थी और धूप बहुत तेज़ है और अब मुझे पीहू को लेने जाने का टाइम हो गया है, वो देखिए 12 बज रहे हैं, हाँ 12 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो बस अब मैं निकलूँगी 5 मिनट में और फिर भागते भागते जाऊँगी, भागते भागते आऊँगी पीहू को ले करके और पीहू का सनग्लास लेके जाऊँगी, क्योंकि वो जैसे ही धूप पे आती है ना बाहर तो वो कहती है मम्मा धूप है, मतलब जैसे स्कूल से बाहर आती है। तो ये लेके जाऊंगी पीहू की हैट और पीहू का चश्मा भी ले लेती हूँ, उसके सनग्लासेस, और फिर जल्दी से निकलती हूँ। ये अरे आपने क्रॉक्स यहाँ क्यों रख दिए, आपको चॉकलेट मिली, अरे वाह। और अपनी हैट उठाइए, कैप आपने नीचे फेंक दी, बैग उतारिए उतारिए उतारिए, वहाँ रख दीजिए। पीयू कहाँ जा रही हो, क्या खाने, कन्या खाने, अच्छा इसलिए आप तैयार हुई हो, अरे वाह आपका आउटफिट तो बहुत अच्छा लग रहा है, किसने दिलाया ये आपकी ड्रेस, किसने दिलाई आपको,
अंकल अंकल ने दिलाई या मम्मा ने दिलाई? ओके चले फिर, चलो बाय कर दो सबको। और आगे क्या बोलोगी? बैक टू कम। ओके मिलते हैं बाद में। ओके तो अभी पीहू जा रही है कन्या खाने के लिए, नीचे एक आंटी जी हैं, उन्होंने पीहू को बुलाया है। तो बस मैं पीहू को लेकर के वहीं जा रही हूँ, और पीहू को मैंने सिर्फ चेंज करवाया है। उसने बस मुंह हाथ धुल करके बोला उसने मैं वही लहंगा पहनूंगी, तो बस पीहू ने फिर से वही अपना लहंगा पहन लिया है। और पीहू को बहुत अच्छा लग रहा है, ये उसको फेवरेट लहंगा है। और हम लोग आ चुके हैं, और अब पीहू देखिए क्या क्या करती है। तो पीहू बहुत ज़्यादा खुश है, उसको बहुत सारा सामान मिला है, बैंगल्स और बिंदी और नेल पेंट देख करके तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई है। और वो तुरंत बैंगल पहनने भी जा रही है। ये देखिए बहुत प्यारी सी क्यूट सी बैंगल है, बिंदियाँ हैं, तो वही पीहू देख रही है और कह रही है कि अब मैं इसको लगाऊंगी। दिखाओ दीदी को। उसके बाद हम दोनों लोग ने हलवा भी खाया, आंटी जी ने बहुत टेस्टी हलवा बनाया था। फिर हम अपने घर वापस आने लगे तो पीहू डॉल को लेके आ रही थी, फिर वो डॉल को प्यार करके मैंने उसे समझाया कि डॉल को बाय करो। चलो फिर डॉल के साथ खेलने आ जाओ। कह दो ओके, चलिए गेट खोलिए। तुम्हारे लिए गेट खोलिए पीहू। अच्छा चलो। सो फ्रेंड्स अभी शाम हो गई है, और उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, पीहू को आके सुला दिया था। अब हम लोग आए हैं पास में एक पंडाल में, दुर्गा जी बैठी हैं, तो मैंने सोचा चलो आज आपको फिर से देवी के दर्शन करवाते हैं। तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ, और आप देख सकते हैं कि उसने पैरों में चप्पलें भी नहीं पहन रखी हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे श्रद्धालु होते हैं भाई, मन में श्रद्धा है, पूजा पाठ करनी है, तो उसकी कुछ मन्नत थी, तो वो अपनी मन्नत पूरी करने यहाँ पर आई है, और बिना चप्पल के आई है। अब मैंने यहाँ पर अपने भी स्लीपर्स उतार दिए हैं, और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। चलिए मैं आपको भी दर्शन करवाती हूँ। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग जस्ट बगल में एक मेला लगा हुआ था वहाँ आ गए, और ये है मेरी फ्रेंड, हम दोनों अपने बच्चों को लेकर के आए हैं। तो अब हम लोग थोड़ा सा मेले में देखेंगे क्या क्या सामान मिल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सारी चीज़ें मिल रही थी, ये सिर्फ 10 रुपये में सारी चीज़ें थी, आप कुछ भी ले सकते हैं। और ये यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर बैंगल्स मिल रही हैं, तो इसमें से मैंने भी एक बैंगल पसंद किया था, बहुत सुंदर लग रहा था वो मुझे, लेकिन वो मेरे साइज़ का नहीं मिला, छोटा था, इस वजह से मैं नहीं ले पाई, वरना मैं सोच रही थी करवा चौथ के लिए
लिए एक नया पेयर का कड़ा ले लूँ नया पेयर, लेकिन नहीं मिला। और नेक्स्ट टाइम कभी देखते हैं, मिलेगा तो मैं ज़रूर लूँगी। और ये है वो कड़ा जो मुझे पसंद आ रहा था। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लग रहा है। फिर यहाँ से हम लोगों ने खैर लिया तो कुछ भी नहीं, और पूरी दुकानें अभी खुली भी नहीं थी, क्योंकि वो और अंधेरा होते होते सारी लाइट जलती हैं, फिर अच्छा लगता है सब पूरा यहाँ पे। तो आज बचपन की याद आ गई, बचपन में हम लोग अपने मेला जाते थे देखने के लिए, तो वही आज हम बचपन की याद आ गई ये सब देख करके, मेला एग्जीबिशन। तो बस यही है, और फिर इसके बाद हम अपने घर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों के खिलौने बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, तो मैंने यहाँ से कुछ कुछ लिया है, तो वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में ज़रूर बताऊँगी क्या है और क्या नहीं। सो फ्रेंड्स, अभी अभी मैं घर आई हूँ और टाइम हो गया है 7, और अब काफ़ी देर हो गई है। अब मैं दुर्गा मैया की अपने दिया जलाऊँगी, जो कि कल आपने देखा था, कवच पढ़ूँगी। तो चलिए, और मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है, क्या लेकर के आई हूँ, वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा, क्यों शॉपिंग किया है, क्या किया है, सब कुछ। तो चलिए फिर, अभी मैं पूजा कर लेती हूँ और फिर उसके बाद आपको मिलती हूँ। पूजा करने के बाद मैंने खाना बना लिया था, और फिर मैं पीहू को खाना खिला रही थी। उसी बीच में पीहू के डैडी आ गए थे, तो मैं पीहू को अंदर वाले रूम में खाना खिला रही थी, और इनके डैडी पीहू के यहाँ पे आ करके मटके को ऐसा टच किए, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि वो मटका गिर गया, और बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई। तो मैं तो एकदम डर गई कि आखिर घर में हो क्या गया, और मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और जब मैं आ करके देखी तो यहाँ पूरी जगह पानी पानी फैला हुआ था, पूरे किचन में पानी था। अब समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ कैसे करूँ। तो बस फिर जैसे तैसे मैंने पूरी सफाई करी, और ये देखिए यहाँ पे डांडिया चल रहा है, तो आज हम लोग डांडिया में भी नहीं जा रहे हैं। बस फिर मैंने पीहू के डैडी को खाना दिया और हम लोगों ने डिनर कर लिया। बस फिर इसी के साथ ये व्लॉग यहीं पे फिनिश होता है। मैं मिलती हूँ आपको कल एक और अच्छे से इंटरेस्टिंग से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, गुड नाइट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।